cupcake. What? More cupcake. Assalamualaikum, क्या हाल है आप सबका? ही हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माई चैनल मैन इन ब्लैक। तो आपने सुना होगा ये देखें जी, वुमेन इन ब्लैक। तो जब भी आप सोचते ना आपने थोड़ा सा काम करना है तो और काम इतने खड़े हुए होते हैं। आज मेरी वीडियो एडिटिंग लेट हो गई तो आधा दिन तो इसी तरह ही वेस्ट। तो मेरा आज बहुत सारा प्लान था बाकी का, किचन करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आई डोंट थिंक ये होगा क्योंकि बच्चों को खाना भी देना है। मिशारी जो है वो कपकेक्स पे कपकेक्स निकाल के खा रहे हैं। खाना बनाने का आज प्लान नहीं है, कल रात को बाहर से खा लिया था, लेफ्ट ओवर घर ले आए थे। असल में ना घर में फ्रूट भी नहीं था, बिल्कुल खत्म हुआ था, तो कल जाना इसलिए भी जरूरी था। फ्रूट में ले आई हूँ तो अब मैं इसको ना अभी थोड़ी देर फ्रूट देती हूँ, फिर कुछ खाने वगैरह का इंतजाम कर रही हूँ। डे टू डे पे कल मुझे बड़ा मजा आया, मेरी एक सब्सक्राइबर मिली और वो भी अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और बेरीज के सेक्शन में वो मिली और वो कह रही थी कि आपका ही देख के हम लोग भी यहाँ पे बेरीज लेने के लिए आते हैं। और हम लोग यही सोचे थे कि देखते हैं बेरीज अच्छी मिल रही है इस वक्त या नहीं। तो मुझे बड़ा मजा आता है, मेरा तो काम ही है हर वक्त आवारागर्दी करते रहना, घूमते फिरते रहना और कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ, आप भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं तो बड़ा मजा आता है। बेरीज वगैरह तो मैं काफ़ी सारी लेके आई हूँ, अभी वो भी मैंने वॉश करनी है, उन चीज़ों को मैंने सेट करके रखना है। अच्छा ये लेके आए हैं शहजाद नट्स, लेके आए हैं सॉल्टेड, हमेशा लेके आते हैं तो इस बार मैंने कहा आप ये वाले ट्राई करें क्योंकि क्या होता है कि शहजाद का बीपी जो है ना सऊदी अरब में रहते हुए हाई रह चुका है ना, लेकिन अब यह कि अब बीपी की मेडिसिन भी नहीं लेते हैं तो वो इस वजह से मुझे फिर भी ये होता है कि उस चीज़ को अवॉइड किया जाए। जैसे मैं मिशारी की बार मेरा शुगर लेवल जो है ना थोड़ा सा बढ़ गया था, जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको बोलते हैं, तो वो खुद बखुद ठीक हो जाता है बेबी होने के बाद, लेकिन क्या होता है कि आप फिर जो है ना वो प्री डायबिटिक जो है ना वो बन जाते हैं कि आप अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो लाइफ में ज़रूर आपको डायबिटीज़ होगी, लेकिन अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। तो फिर मैं अपने जो है ना मीठे का बहुत ख्याल रखती हूँ और शहजाद का जो है माशाल्लाह से कोई मेडिकेशन शहजाद कि जो है किसी किस्म की नहीं है, बीपी वगैरह की कुछ भी नहीं है अब उनका अल्हम्दुलिल्लाह, वो पुरानी बात थी लेकिन उसके बाद से हम केयरफुल रहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर मैं जब वो ऑमलेट वगैरह भी बनाती हूँ तो उसमें मैंने जैसे अगर 6 अंडे डाले हैं ना तो योग उसमें आपको शायद 3 या 2 ही नजर आएंगी, हालांकि अब लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि योग का जो है ना वो उससे कोई लिंक नहीं है हाई बीपी से ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कंटेंट हाई होता है फैट का लेकिन वो गुड फैट होती है, लेकिन यह कि वो थोड़ा सा होता है ना कि दिल भी नहीं मानता है, हस्बैंड की बात है तो तसली नहीं होती, तो मैं कहती हूँ चलो उसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है, तो मैं योग भी कम डालती हूँ। तो मतलब डाइट कंट्रोल की जाए ना तो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल ईजिली जी सकते हो, वेट भी नहीं बढ़ता। अच्छा मैंने काफ़ी अरसे के बाद अपने लिए चिली चिप्स नहीं आए, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके खाती क्योंकि फिर ना एक चस्का लग जाए बनने का दिल करता है, लेकिन यह कि इस दफ़ा मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ सिर्फ छोटा वाला पैकेट, तो ये मैंने अपने लिए ले लिया और तिहामी ने अपने लिए स्पाइसी रैंच ले लिया, तो मिशी ने अपने लिए वो चॉकलेट वगैरह ले ली थी तो वही खाएगा, ये वाली ली थी मिशी ने अपने लिए किट कैट, तो मेरे ख्याल भूला हुआ भी मैं उसे याद कराती हूँ। अब मैं आपको गिफ्ट मार्केट की चीज़ें दिखाने लगी, ये मैं ग्लव्स लेके आई हूँ, ये थे 3.5 दिरहम के और मैंने ये शीन पे देखे थे, शीन पे आई थिंक 15-16 के मिल रहे हैं, तो मैंने ये देखे तो मुझे ये बड़ा मज़ा आया। मैं जब भी ग्लव्स लेती हूँ ना तो मेरा ये होता है कि पानी अंदर चला जाता है ग्लव्स के ना, फिर वो ड्राई करने पड़ते हैं, अब मेरा ख्याल है मेरा हाथ मोटा है और ये ग्लव्स जो है पतला है, क्या करूँ। अच्छा नहीं हाँ सही है सही है, मैनेज हो गया, अच्छा है लूज है, तो ये यहाँ तक जब चढ़ जाएगा ना फिर बड़ा मज़ा आएगा कि फिर हाथ गीले नहीं होंगे, तो ये मैंने ले लिया है। पहले मेरी आदत होती थी जो चीज़ काम की मिल जाए 3-4 उठा लें, अब मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं अगर वो ना भी चीज़ मिली तो अल्टरनेट मिल जाएगा, सो सिर्फ एक पेयर ऑफ ग्लव्स लेके आई हूँ मैं, वरना मैं और एक चीज़ ले हूँ। अच्छा उसके अलावा ना ये वाले बोल्स लेके आई हूँ, ये जो है ना स्ट्रॉ भी साथ लगा हुआ थे, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं तो मुझे लेदर से इनको स्ट्रॉ देना पड़ता है, तो ये 4 दिरहम्स के 4 बोल्स के अलावा मैं अपने लिए लेके आई हूँ ये 10 दिरहम्स का नाइफ्स का सेट, क्योंकि ये वाले मुझे जो है ना चाहिए थे दोनों, ये है 15 दिरहम्स का, ये भी मैंने शीन पे देखा था और शीन पे इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, अब मुझे याद नहीं ठीक से ओके, तो मुझे ये याद आया कि मैंने तो ये गिफ्ट मार्केट में भी देखा था और जब मैंने इसकी वीडियो देखी तो ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है, मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, तो अब पता नहीं मैं इसे अभी यूज़ करूँगी या नहीं, अगर मैंने यूज़ किया तो मैं आपको दिखा दूँगी, वरना मेरा ख्याल है कि जब हमने दूसरे घर में जाना है तो वहीं पर मैं इसे खोलूँगी यूज़ करूँगी, बट देखते हैं कब इसे ओपन करती हूँ। बड़े दिनों के बाद तिहामी ने अपने लिए कुछ लिया, ये 11 दिरहम्स का है और ये ना गन बनी हुई, गन के ऊपर ये जो है ना स्टायरोफोम का प्लेन बना हुआ, तो ये प्लेन गन से उड़ जाता है। ये मैंने अपने लिए प्लांट्स लिए और मैं बहुत खुश हुई हूँ, अगर आप लोग भी रहते हैं ना शारजा में तो कसम से जाके ये ले लें, अगर दुबई में भी रहते हैं तो आके शारजा से ले जाएँ, मुझे नहीं पता और किसी शॉप पर है ही नहीं, देखें कितना ये लंबा है,
अच्छा मैं भी बैठी हूँ फ्लोर पे, ये भी है और ये मेरी हाइट से ऊंचा है। इतने बड़े बड़े प्लांट्स जो है ना वो 60s 70s में मिलते हैं और ये बहुत क्लोज टू ओरिजिनल वाला प्लांट है। अब चॉइस आपकी है कि आप उसमें से क्या सिलेक्ट करके लाते हैं। बहुत सारी वेराइटी थी और ये है ओनली 20 dirhams का, तो ये बहुत अच्छी डील लगी थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, एक इसको मैं बाहर रख लूँगी, घर के बाहर में भी, और एक मैं घर के अंदर रख लूँगी। एक मैं ये टाइप का लेके आई थी और ये देखें इसकी भी हाइट, इसकी हाइट हाँ मेरे से थोड़ी छोटी है लेकिन ये ना फैला हुआ बहुत ज़्यादा है, ये देखें। अच्छा अब इनको रखना किसमें था, इनको रखने के लिए ना मैं ये ब्लैक लेके आई हूँ पॉट्स। ये चेक करें, ये लास्ट आइटम, ये मिस्टर तिहामी लेके के आए हैं। ये कल जो शराब इससे मस्ती कर रहे थे वहीं पे गिफ्ट मार्केट में खड़े से, तिहामी कहते मम्मा प्लीज़ प्लीज़ हम ये ले लें। वो बेचारा जब भी आता ना कुछ भी नहीं यहाँ से लेता, पहली बार उसने ये टॉय भी लिया और फिर 20 dirhams का था। मैंने कहा चलो जी ठीक है आप ले लो, तो वो अभी आपस में खेलेंगे एक दूसरे से, मिशी और तिहामी देखते हैं कैसे खेलते हैं। क्योंकि वो बारबेक्यू था उसके साथ में मैंने ये पराठे बना लिए और बस हम लोगों ने खाना मज़े से खा लिया। और ये तिहामी को देखें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, सारे दिन से तिहामी यही कुछ ही कर रहा है। तिहामी जोर लगा के कांपना शुरू हो गया, नहीं हो रहा तिहामी यार, नहीं ये हैंड से होगा बेटा, ये इतनी दूर से पावर लग के नहीं होगा, ये करीब से ही होगा। खाना खाने के बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग काम मैंने करना था और वो ये था कि प्लांट्स को ना पॉट्स में सेट करना था। पॉट्स मुझे यही साइज बेहतर लग रहा था, इससे बड़ा साइज भी था लेकिन वो मुझे लगता है बहुत बड़ा हो जाना था। और बस लेकिन ये कि इसके अंदर से साइज मतलब जो किनारा था ना वो कॉन्वेक्स बनी हुई थी सरफेस, तो उसके अंदर खड़ा नहीं हो रहा था और मैंने पहले ही देख लिया था, इसलिए मैं साथ में ना ये वाले लेके आ गई थी स्टोन्स वगैरह ना। तो शहजाद हंस रहे थे, कहते हैं कि तो बाहर से कहीं से मिल जाते हैं, डेजर्ट से मिल जाते हैं। मैंने कहा मुझे डेजर्ट लेके जाए ताकि मैं ये ढूंढ के लेके आऊँ, मुझे फटाफट चाहिए तो मैं क्या करूँ। बहरहाल ये तो वैसे भी डेकोरेटिव रॉकरी टाइप होती है, तो ये मैंने इसके ऊपर रख दी और बहुत प्यारे लग रहे थे। और इसकी वजह से ना वेट अच्छा सा उसके अंदर डल गया ना, तो फिर ये हिल नहीं रहा था, स्टडी हो गया था। बच्चों ने मेरे साथ खूब हेल्प कराई क्योंकि अब छुट्टियां हो रही ना, तो अब मेरी कोशिश होगी कि हर चीज में मैं इनको साथ में इन्वॉल्व करूँ ताकि कम से कम बोर हों, वरना क्या करेंगे बेचारे सारा दिन। तिहामी की भी खुशी चेक करें। अस्सलामुअलैकुम बेटा, क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हाउ आर यू टी? वेरी गुड, हाउ वाज योर डे गाइस? हां, ये एक्साइटमेंट चेक करिए इसलिए क्योंकि ये मेरा वेट कर रहे थे कि मैं बाबा आऊं तो जनाब। हां जी, अस्सलामुअलैकुम। वाले सलाम यार, गुड़िया आपने तो बाहर मनी प्लांट लगा दिया है, मैं वाकई हैरान हुआ देख के यार, अच्छा लग रहा है। डॉलर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर। सूट मैंने पहले ही वॉश कर लेना था लेकिन वो जब बाहर जाने की बात आती है ना तो फिर मुझे शरार को जो है ना बस बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और चल पड़ते हैं हम बच्चे जो अपनी डिवाइसेस लेके बैठ जाते हैं और हम ड्राइव करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बस यही चलता रहता है। मेरा वेट करते रहे, बाबा आएंगे तो डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। ये अच्छी कंडीशन रखी हुई है आपने, मैंने ये कंडीशन रखी है। और मजे की बात क्या होती है कि इनको मैं दिन के टाइम नहीं लेने देती ना, PS5 नहीं लेते हैं लेकिन ना टैब और गेम वो फोन नहीं, तो उसके बाद फिर लेते हैं उनको, फिर भी दे देती हूँ, बड़ा काम नहीं करता, मिशी को नहीं देती। तो वो फिर क्या होता है कि शरार आते हैं तो भागा वो उनसे मिलने आता है, फिर उतनी उससे ज्यादा खुशी से मेरे पास आता है, कह रही हूँ फोन लगाओ, मैं कहती हूँ हाँ जी 1 आवर के लिए फोन मिलता था। तो आप यकीन करें गुड़िया, इसी वजह से जो है वो हो ये रहा है कि मुझे बड़ा VIP ट्रीटमेंट मिलता है मिशी की तरफ से, पार्टियां मिलती है मुझे, वेलकम किस्म का जो है, आप आए बाहर आके। वो उसी वक्त ही होता है, उसके आगे पूछता भी नहीं है, सिर्फ उसी वक्त ही होता है बस। और होता क्या की शराब आते हैं, शराब के पास अपनी की होती है, लॉक खोल के आते हैं तो जनाब भागे भागे के दोनों मुझे गुड न्यूज देने आ रहे हैं, बाबा आ गए हैं। बाबा बात करे बेटा, सुबह मैंने कॉफी बना दी अपने और तिहामी के लिए कोल्ड कॉफी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की तो तिहामी साहब ने एक और दफा कॉफी मांगी। हेलो गाइस, दिस इज फॉर 150, इसका मुंह देखे ना, आइसक्रीम खा के मैं
अच्छा मैं फुल एनर्जी से मैं सोऊंगा रात को, तो मैं आपको भी ना दूंगा आगे से हट ना। मैं फुल एनर्जी के साथ सोऊंगा, मैं फुल एनर्जी के साथ नहीं, बस फुल एनर्जी के साथ एक आत्मा रात को लाइट लेके चल रही है। नहीं नहीं आज कल नया काम शुरू होकर पर खत्म होने की देर है रात को। नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। और जो ही मैं अभी शराब लेटते हैं ना कि टॉर्च पकड़ते, इसे टॉर्च रखी होती है अपने पिलो के पास, टॉर्च पकड़ी दो फिर ना शुरू हो जाता पूरे घर में खाना पीना ढूंढने के लिए। कसम से मेरे पास बहुत टाइम था कि मैं टाइम पे किचन के काम करके फारिग हो जाती। आफ्टरनून में हमने लंच किया था और उसके बाद ही मैं पॉट्स में प्लांट लगाने के बाद ये फटाफट वॉश कर देती ना, तो बस फिर मेरा किचन का काम खत्म हो जाना था। लेकिन फिर शहजाद आ गए और शहजाद ने आके कहा कि नहीं बाहर चलो बाहर चलो, तो हम लोग राउंड लगाने कार में चले गए। पैदल तो काफ़ी गर्मी होती है, फिर चाय पीने का ना दिल नहीं करता, तो गाड़ी में ये होता है एसी लगाया होता है तो चाय को इन्जॉय कर सकते हैं। तो खैर उसके बाद ये काम मेरा फिर रात पर चला गया, तो मैंने कहा चलो, लेकिन आया होता ना फ्रेश फ्रूट तो वॉश करके रख दें तो फिर फैमिली खाने लग जाती है। मेरी फैमिली को माशाल्लाह से फ्रूट की मैंने इतनी अच्छी आदत डाल दी है ना कि ये लोग सारे खाते हैं शुरू से। आपने देखा हुआ है काफ़ी साल से आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मतलब ये चीज़ एक रेगुलर रहती है क्योंकि मुझे खुद बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना तो अबू लेके आते थे फ्रूट, तो अम्मी कहती रहती थी बच्चों खाओ खाओ, बच्चे आगे आगे भागते रहने हैं और अम्मी ने ज़बरदस्ती देना ना तो सबके मुँह बनने हैं, लेकिन चलो खा लेना क्योंकि अम्मी ने ज़बरदस्ती दे दिया है। लेकिन ये होता था मेरा कि सारा फ्रूट ऑलमोस्ट मैं ही घर में ख़त्म करती थी, मुझे इतना पसंद था। तो वही हैबिट अब तक भी है, फ्रूट जो है ना मेरी वजह से भी बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ब्लैकबेरीज जो है ना वो तो तिहामी की इतनी फेवरेट है कि ब्लैकबेरीज मिशारी नहीं खाता, बाकी सारे फ्रूट खा लेता है, ब्लैकबेरीज उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसमें सीड्स होते हैं ना छोटे छोटे, और शहजाद को भी पसंद नहीं है, मुझे और तिहामी को इतनी पसंद है कि तिहामी ब्लैकबेरीज देख लेना आते जाते फ्रिज में से कंटेनर निकाल के अपने सामने बैठ जाता है और खाता रहता है माशाल्लाह से। तो बहरहाल इनको मैंने वॉश करके रख दिया क्योंकि ये बहुत डेलिकेट फ्रूट होता है, इसे फौरन से मैं फ्रिज में रख दूंगी ना गीला गीला तो फिर ये फौरन गल जाएगा। सो इसलिए नीचे भी मैंने टिशू लगाया, बास्केट वाला ये रैक है मतलब वो कंटेनर है, और इसके ऊपर टिशू रख के मैंने इनको थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया और अब मैं इनको फ्रिज में रख लूँगी तो ये ठीक रहेंगे 5-6-7 दिन तक भी, उससे पहले ही माशाल्लाह से ख़त्म हो जाते हैं। तिहामी माशाल्लाह से घर में बहुत हेल्पफुल है, मेरे बहुत सारे काम कर देगा, शहजाद के कर देगा खुशी खुशी, मतलब बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखाता। लेकिन अपना कोई काम उसे करना पड़े ना बहुत सुस्ती दिखाता है, जैसे कि बेड जो है ना निकालना पड़ता है तो कहते हैं मम्मा ये रोज़ की मेरी एक्स्ट्रा ड्यूटी है ये वो। तो मैं उसे कही थी, मैंने कहा बेटा आप वैसे भी बड़े हो गए हो, अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको कपड़े प्रेस करना भी सिखा दूंगी, आपके फोल्ड करना भी सिखा दूंगी, ऑल्दो आपको नहीं करने पड़ेंगे लेकिन ये चीज़ें वो हैं कि जो आनी चाहिए। तो बहरहाल ये उसी के स्टार्ट हो चुके हैं समर वेकेशन में, तिहामी को और भी बहुत सारी घरदार जो है ना वो मैंने सिखानी है जो उसकी जरूरत में आगे काम आएगी जब वो फॉरेन कंट्री जाएगा अपनी एजुकेशन के लिए। ये था जी वेंसडे और मैं बना रही थी ब्रियोश और साथ में बैंग बैंग चिकन, और बहुत मज़े की दोनों चीज़ें बनती हैं, कॉम्बिनेशन बहुत कूल है। मैंने नीम गरम दूध लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट यीस्ट और साथ में मैं इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर, आपकी मर्जी आप वाइट शुगर बेशक डालें आपकी चॉइस है। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद रख दिया ताकि यीस्ट ब्लूम हो जाए, 5-10 मिनट लगते हैं तो ऊपर ऐसे अच्छी सी फोम बन जाती है। उतने में चिकन को कट कर लेंगे। मैं बना रही हूँ जो बंस है ना, जो ब्रियोश बना रही हूँ ये 12 बना रही हूँ, लेकिन आपसे मैं 6 की रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी देते हुए देख के परेशान नहीं होना, आपको मैं हाफ क्वांटिटी दूंगी। अच्छा जी, ब्लूम हो गया तो मैंने इसके अंदर डाला है विनेगर और साथ में इसमें जा रहा है सॉल्ट। और इसमें जाएंगे एग्स, एग्स भी कोशिश करें रूम टेम्परेचर पे हो तो अच्छी बात है। और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया है ऑयल। इसको अच्छी तरह हम विस्क कर लेंगे और उसके बाद इसमें मैदा डाल देंगे। टोटल 6 ब्रियोश बनाने के लिए आपने 2.5 कप्स ऑफ मैदा डालना है, तो यानी आधे कप से भी कम मैदा जो है ना वो पर ब्रियोश हो जाएगा। तो ये इसके बाद मैं तो खैर डबल बैच बना रही हूँ ना तो इसलिए आपको क्वांटिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों आज ये की बात बार बार कर रही हूँ, आई हैव नो आइडिया। अच्छा जी, इसके अंदर हम और डालते जाएंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, नॉर्मली जो पिज्ज़ा डो वगैरह बनाते हैं आपको पता है वो ईजिली आप उसको प्लाइबल होती है, आप उसे यूज़ करके अच्छे
अच्छे से जो भी शेप बनानी हो आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये लेकिन बहुत सॉफ्ट बनेगा, इस तरह से कि आप इसे हैंड में पकड़ेंगे ना तो ये नीचे को गिरना शुरू हो जाएगा, इतना सॉफ्ट और स्टिकी ये बनाना है। बस एक चीज का ख्याल आपने रखना है कि लम्स आपने इसमें नहीं रहने देने, लेकिन इसको थिक करने के चक्कर में मैदा और नहीं डालना। ओके, अभी मैंने क्या किया कि अच्छी तरह जब उसके लम्स खत्म हो गए तो इसमें रूम टेम्परेचर का बटर डाला है मैंने, और बस इसकी हम फिर से नीडिंग कर लेंगे कि बटर अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैं आपको अभी स्लो करके भी दिखाऊंगी कि कितना ढीला सा ये हमने मिक्सचर बनाया। ये देखें डो, ये देखें, ये आपको अंदाजा हो रहा है ना कितनी ढीली सी डो है, ये देखें। तो बस ये आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, और साथ में देखिए कितनी स्मूथ भी है, इसके अंदर किसी किस्म के भी कोई लम्स नहीं है। तो बस इसको आपने अब रख देना है, और अगर थोड़ा सा बटर बचा हुआ है तो वो ऊपर लगा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको कवर करके रखते हैं और जब तक ये साइज में डबल हो जाए। अभी गर्मी है तो तकरीबन 20-25 मिनट मैक्सिमम में जो है ना किचन में ये डबल हो जाएगा साइज में, बहुत ज्यादा देर नहीं रखना, नहीं तो फिर ना वो डो सावर होनी शुरू हो जाती है। बस आप ये देखें कि साइज में डबल हो गया ना, अच्छे से मार्जिन नहीं रहने देना, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। तो बाकी जो लेफ्ट ओवर थोड़ा सा ऐसे बोल में जो बटर था वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए, और इसको हम कवर करके रख देंगे। मैंने बोल छोटा ले लिया तो इसलिए अब वो उसके ऊपर तक आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो चिकन है ना, बैंग बैंग चिकन, इसके अंदर मैंने डाला नमक, और ये साथ में जा रही है पेपरिका पाउडर, वो वाला बॉक्स खत्म हो गया था तो नया डाला है, ये सेम है, ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। मैं देख रही थी लाल मिर्च तो नहीं खोल ली। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाल रही हूँ, और ये साथ में इसमें जा रहा है गार्लिक पाउडर, ये मेरा होममेड गार्लिक पाउडर, पता नहीं 6 महीने हो गए अभी तक इतना अच्छा चल रहा है ना, बस ये टाइम के साथ थोड़ा सा ऐसे हार्ड हो रहा है, लेकिन वैसे स्टोन नहीं बन रहे जैसे वो स्टोर बॉट वाले के बन जाते हैं। ये देखें, ये अनियन पाउडर, ये भी होममेड है, और ये मैंने 2 टीस्पून भर के डाले हैं, और इसके अंदर साथ में थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, और इसको 20-25 मिनट या इवन ओवरनाइट भी आप रख लें कोई बात नहीं, तो ये कि बस इसको मिक्स करके हमने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। बेसिक से ये इसके अंदर स्पाइसेस है, और हाँ इसके अंदर चिली फ्लेक्स आप ऐड कर लें, अगर आपने इसको अच्छा सा करारा वाला बनाना है ना तो इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जब मैंने खोला वीडियो बनाई तो मैंने देखा कि इतना नीचे झुक के तो कभी देखा ही नहीं, तो इसके अंदर डस्ट पड़ी हुई है, तो अब इसको भी मैं साफ करूंगी। एनीवे, स्क्यूअर लेके आई हूँ और इसके ऊपर मैं लगा दूंगी, मैरिनेशन कम्प्लीट हो गई थी तो ये उसके बाद का स्टेप है, स्क्यूअर्स पे लगा दें। और ये देखें कितना क्यूट लग रहा है, और इसको बस डिफ्लेट कर लेंगे हैंड्स की हेल्प से, इसको प्रेस करके ना सारी जो इसकी एयर बबल्स हैं वो खत्म कर देंगे, और बस उसके बाद मैंने मैदा थोड़ा सा रखा है नीचे, और इसको अब हम शेप दे लेंगे। पहले मैं इसको हाफ कर लूंगी ताकि एक साइड पे 6 ब्रियोश बन जाएं, दूसरी साइड के भी 6 बन जाएं। मुझे जो नेक्स्ट डे असल में डिनर बनाना है ना, मैंने तो डिनर्स प्लान किए होते हैं ना, तो उसके लिए भी ब्रियोश यूज होगा, सो इस वजह से मैंने 2 बना लिए कि चलो एक ही दिन में काम करके फारिग हो जाऊं। एक बार जब हम डिफ्लेट कर लेते हैं ना तो हमारे पास दोबारा मार्जिन आ जाता है कि हम दोबारा से इसको प्रूफ होने के लिए रख सकते हैं ना डो को, तो सावर नहीं होती है, लेकिन इस टाइम पे आपने ख्याल रखना है। अच्छा, मैंने क्या किया कि इसके बॉल बना के रखती हैं और इनको साइज में डबल होने तक अगेन रख दूंगी। अब इस बार 30-40 मिनट्स वेट नहीं करना, जस्ट 10 मिनट्स में ये साइज में डबल हुए होंगे, ठीक है। उतनी देर में अवन को प्री हीट कर दें 180 डिग्रीज पे, अपर लोअर दोनों रॉड्स पे हमने इसको बेक करना है, ठीक है। तो जब तक ये साइज में डबल हो रहे हैं, मैंने एग योक्स ले ली है, एग नहीं यूज की, ठीक है, इसका बड़ा अच्छा कलर आता है और बड़े शाइनी सी सरफेस हो जाती है जो भी बेक्ड गुड आपकी होती है। इसके ऊपर मैंने योक लगा दिया, थोड़ा सा इसमें ना योक में मैंने पानी भी डाल दिया था ताकि जरा सी पतली हो जाए, और फिर इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे कलौंजी, और इसको हम बेक कर लेंगे 180 डिग्रीज पे, अपर लोअर रॉड्स पे 20 मिनट्स के लिए, उतने में गोल्डन सा हो जाएगा टॉप पे अच्छा सा। दूसरे बैच को भी मैं रेडी करके रख लूंगी, कसम से वेट लूज भी हो रहा है, ये ना बेक करते हुए बंस में देख रही हूँ कि नॉर्मली जब वेट हम लूज कर रहे होते हैं ना तो हर चीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या कर रही हूँ कि मैं एक अवॉइड नहीं कर रही, अपनी मर्जी से पेट भर के भी खा रही हूँ और साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत अच्छी हेल्प हो रही है, मेरी जो है ना वो वेट कट डाउन होना शुरू हो गया। मैं इंशाल्लाह जब अपनी मर्जी का टारगेट अचीव करूंगी तभी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं शुरू करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ और आप सब वेट करते रह जाते हैं कि हाँ भाई रिजल्ट बताओ, और मैं गायब हो जाती हूँ। क्या
शुक्र है आपने बता दिया, ऐसे पकड़ के उठा के ये प्लेजेंट सरप्राइज नहीं हो जाता जब घर पे आता है बंदा, मतलब आपने पता हो जैसे ही घर पे आता है इतनी मजे मजे चमक की चीजें नजर आती हैं, तो दिल खुश हो जाता है। क्या मजे की स्मेल उठी हुई है यार, वीकेंड होता है यार। मेरा तो लिटरली दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कहूँ कि अब इनके पेपर खत्म हो गए, छुट्टी भी कर ले तो खैर होती है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे कहूँ कि इनको ना लंच बॉक्स में पैक करते हैं, बाहर बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी भी देती सकता है। तो लंच बॉक्स में पैक करके खा लेते हैं, उसमें इसमें क्या है, कोई बात नहीं है। हाँ हवा में बैठ के, हवा भी है। कोई अपार्टमेंट देखने जाते हैं ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर, वहाँ हवा चल रही है, बालकनी में वहाँ लंच करके आ जाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही है ना, करें? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर। चले जी, अचानक और ऑफ सडन जो है मेरे दोस्त का प्लान बन गया है, तो अब जाहिर है दोस्त है तो फिर दोस्त को आदमी ना तो नहीं करता, दोस्ती तो निभानी है जी। चिकन स्क्यूअर्स जो है ना उनके ऊपर आपने गरम गरम के ऊपर अब ये सॉस लगानी है, ठीक है। ये सॉस क्या है, मेयोनेज डाली है मैंने और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ टेबेस्को सॉस। आपके पास ये नहीं है बेशक ना डालें, आप इसके ऊपर डालें चिली सॉस और ये दूसरी है स्वीट चिली सॉस, ठीक है। मैं ये भी डाल रही हूँ, जो भी सॉसेज है ना निकाल के आप इसके ऊपर लगा दें। लेकिन वैसे बैंग बैंग चिकन में ना स्वीट चिली सॉस और मेयो और साथ में मस्टर्ड, ये तीन चीजें जरूर यूज होती हैं, ठीक है। तो ये तीनों हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेयो डालें चिली सॉस डालें और बस बना लें। और साथ में हाँ चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं, मैंने मिशारी की वजह से नहीं डाले थे। तो ये देखें फाइनल लुक आई है ब्रियोश की, कितने मज़े के हैं, इतने गरम गरम है ना कि मेरा दिल चाहता है मैं फ़ौरन आपको दिखाऊं ये कितने कॉटन जैसे हैं, लेकिन मेरे से उठाए नहीं जा रहे थे। फिर मैंने टिश्यू यूज़ किया और ये देखें मैं आपको ये प्रेस करके दिखाऊंगी, ये देखें कितने मज़े के हैं। लेकिन यहाँ पे एक बैड सीन हो गया, जब मैं ये खोलूंगी आप देखें कितने सॉफ्ट है, लेकिन कैमरा की तरफ करूंगी तो जनाब कैमरा ब्लर हो जाएगा, कैमरा साहब फोकस करने से इनकार कर देंगे। बहरहाल आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने सॉफ्ट हैं। ये देखें ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका टेक्सचर है, बिल्कुल कॉटन जैसे हैं ये, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया ना। तो बहरहाल इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत मजे का स्टेप होता है। अच्छा आपने ये करना है कि गरम गरम स्क्यूअर्स के ऊपर ना आपने ये लगानी है, तो थोड़ी सी ये क्या कहते हैं मेल्ट भी हो जाएगी मेयो, तो फिर और ज्यादा कलर भी प्यारा आएगा और लुक भी अच्छी आएगी। मैंने एक जो है ना ये वाली गरम गरम है और दूसरी वाली जो है ना वो ठंडा हो चुका था बैच, तो वो बातों में शराब से लगी थी, मैंने सॉस थोड़ी लेट बनाई थी, तो मैं आपको दोनों में ना कलर डिफरेंस दिखा दूंगी अभी। ये देखिए इसमें से धुआं भी निकल रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल गर्मा गर्म है, इसकी लुक अलग आएगी। और आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आपका दिल करता है मेरे खाने ट्राई करने का, आई विश मैं आपको कभी ट्राई करवा सकूं। रेस्टोरेंट बनाने का मैं नहीं सोचती क्योंकि वो बहुत फटीग है, लेकिन कभी तो शायद अरेंजमेंट ऐसा करूं कि आप सब हमारे घर आए और आके तो इंजॉय करें, या किसी जगह पे बुकिंग करवा लूं, है ना। कभी ना कभी इंशाल्लाह जरूर, जब बच्चे थोड़े और जरा इंडिपेंडेंट हो जाएं, कि मैं बहुत बड़ा सा एक प्लान करूं जिसमें सब मैं कुकिंग वगैरह जो है वो अपनी रेसिपीज को दूं और वो बनाएं और आप सब आएं और एंजॉय करें, क्योंकि मैं अकेले तो इतने लोगों के लिए नहीं बना सकूंगी। सोचती बहुत कुछ हूं, इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी कभी आप लोगों के साथ गेट टुगेदर होगा। तो ये देखें ये जो ब्राउन वाले हैं ना ये गर्मा गर्म पे थे और वो जो ठंडे हुए हुए थे ना रूम टेम्परेचर पे आ चुके थे, वो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट से थे। बड़ा मजे का यार गुड्डू, ये इतना फ्लफी है। चिकन भी मुंबई की चिकन भी अगर ट्राई करें उतना ही सॉफ्ट है ये बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ जानते हैं कॉटन में तो नहीं कुक किया हुआ है, कॉटन ही कुक कर दिया मैंने थे हम। ओह है वो क्या मजे का लाइट, लिटरली फैदर की तरह लाइट है, गुड लाइट। ये वाकई इतना लाइट और इतना फ्लफी है, यकीन करें। खैर शराब के रिव्यूज पे आपको यकीन है, नहीं शराब ये डाल लेना उसमें, आप लोग टोमेटो वाले का सैंडविच बनाए, मैं तो ये तो नैंडोज वाला है, कसम से है ना यार।
आप यकीन करें इसको आप ऐसे ही खा लें, किसी और चीज की जरूरत नहीं है। चिकन भी उतना ही मजे का है, उतना ही जूसी है, और दोनों आपस में जो है क्या किनर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आप सबके लिए जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका दिल चाह रहा है कि हम भी ये खाएं, आई विश मैं आपको खिला सकती, लेकिन चलें इजी सी रेसिपी है। आप ये एटलीस्ट बैंग बैंग चिकन जो है ना, ये तो बहुत इजी है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, इसको फटाफट मैरिनेट करें और आप बना लें, और इसके ऊपर ये सॉस जरूर बनाना, क्योंकि सॉस के बगैर ना बस बेसिक सा टेस्ट आएगा, लेकिन ये नहीं है कि वो क्या करारा सा टिक्का बनेगा, नहीं, ये सॉस जो है ना मैजिक तो ये सॉस करती है। सो ये आपने इसके साथ जरूर बनानी। तो मुझसे सबर नहीं हो रहा था कि मैं इनको थोड़ा सा श्रेड कर लूं ताकि बर्गर जरा अच्छे से बन जाए। मैंने सारे इसके ऊपर से उतारे हैं और लगा लिए हैं। आज की मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि वो जो है ना वो मैं फिर क्या करती हूँ कि 4 बजे तकरीबन के बाद ना मैं खाना नहीं खाती हूँ। डिटेल में बात कभी बाद में करूँ, क्योंकि सुबह मैं तकरीबन 7 बजे करीब खाना खाती हूँ, तो मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है 13 घंटे तो चलो हो ही जाए। खैर, तो लेकिन यह कि अब खाना ही रात में बनाया था तो अब मैं इसको कैसे छोड़ देती। तो बहरहाल इसके अंदर टोमेटोज भी मैंने रखे हैं और उनके वो भी ज़रा जूसी से होते हैं ना, तो बहुत मजे का बर्गर बना था। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और अभी जो है ना वो शहजाद मेरे लिए बनाने लगे हैं चाय, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो बॉयज प्लीज क्लीन दिस अप, ऑलराइट, थैंक यू, चलो शाबाश। प्लान कैंसिल, हम बाहर नहीं गए, हमने घर पर खाना खा लिया है, क्योंकि मेरा दोस्त जो है थक गया है, तो मैं अपने दोस्त को चाय बना, क्योंकि ईद के बाद जाके भी जो है वेदर बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मैंने मेरा इरादा था कि वॉक पे जाएँ मैं गुड़िया, और वॉक करते चाय पिए, लेकिन अब सोच के हॉल उठने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है बाहर, उसमें गर्म गर्म चाय पॉसिबल ही नहीं होगा। बाकी अब यहाँ पर जो है एसी लगा हुआ है, तो उसमें कम अज़ कम सुकून से चाय एंजॉय कर सकती है। Here you go. Here you go. Thank you. Welcome. Chale enjoy karein, okay?